मोदी जी तरंगिया में जाम लग गया है, एक दूसरे गाड़ी को विदा करवा दीजिए, देख लीजिए कितना जाम लग गया है मोदी जी। अरे हरामी हो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पर मैं घर से भाग गया हूँ सपनों की दुनिया में गाइस, आप ही बचा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। न्यू ब्लॉक में स्वागत है गाइस। आपको बोले थे कि हम आपको मुंबई लेकर जाने वाले हैं, तो हम मुंबई आपको लेकर चलने वाले हैं। तो देखिए ये राजू भाई का ऑटो रिक्शा है और वहाँ पर फिरांशु है, और आपको हम मुंबई और इनका गाड़ी का आपको बुकिंग करना होगा तो आपको वीडियो में यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। और आपको हम बताना चाहेंगे, आपको बोले थे मुंबई ले जाने के लिए, मैं मुंबई अब जा रहा हूँ, तो चलिए आपको मुंबई ले जाकर वहाँ का पूरा मस्त मस्त आपको सीन दिखाता हूँ वहाँ पर ले जाकर। तुम्हारा भाई के चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। गाइस ये हमारे गांव से सुरेमनपुर का ये रास्ता जाता है, अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में बैरिया, और देखिए हमारे गांव में कितने हरे भरे पेड़ हैं और गांव में स्वच्छ हवा मिलता है। ये हमारे देख लीजिए, देखिए हमारे बैरिया का रोड देख लीजिए कितना हेवी है, मोदी जी ने बनवाया। भाई जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, अभी तो यहीं पर है, अभी ट्रेन में बैठ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मुंबई तो बहुत मजा आएगा। काफी बारिश का आनंद हम लोग लेते हुए, बारिश यहाँ पर अभी हो रही है। हम तो अभी यहाँ से घूमने वाले हैं, देखिए यहाँ से सुरेमनपुर के लिए और रानीगंज में हम एंट्री मारने वाले हैं। अभी बैरिया से रानीगंज में एंट्री मारेंगे, यहाँ से देखिए गाड़ी ये घुमा घुमा घूम, देखिए कितना पानी लग चुका है यहाँ पर बारिश के मौसम में। अभी शंभू। तो गाइस हम रानीगंज बाजार में आ चुके हैं, देखिए अभी रानीगंज बाजार में कोई भी नहीं दिख रहा है, अब रानीगंज चौक के पास जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सिनेमा हॉल, ये है सबसे फेमस सिनेमा हॉल ज्योति हॉल, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे अपना परांशु प्रियांशु हिमांशु के पटीदार परांशु। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, गजब बेइज्जती है। अभी सुरेमनपुर में आ गए हैं, यहाँ पर देखिए अभी सब्जी मंडी लगा है, यहाँ पर देख लीजिए कितना भीड़ है सुरेमनपुर, और हम स्टेशन के पास अभी जाने वाले हैं। देखिए अब कहाँ, और हम यहाँ से घूमने वाले हैं स्टेशन, वहाँ पर देख लीजिए यहाँ से हम स्टेशन के लिए घूमने, यही रास्ता है स्टेशन देख लीजिए, और हम यहाँ से बस अंदर जाने वाले हैं, हमारा सुरेमनपुर स्टेशन बस आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा भीड़ है, तो हम चलते हैं और सुरेमनपुर स्टेशन के पास, बहुत भीड़ है, ध्यान से देख लीजिए आप। आप सुरेमनपुर में हम आ गए हैं स्टेशन के पास, वहाँ पर आप हमारा स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ का सुरेमनपुर स्टेशन है ये। हम सुरेमनपुर स्टेशन पर हैं, देखिए यहाँ पर कितना भीड़ है, आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में यात्री बन आए हैं, और देख लीजिए यहाँ पर सुरेमनपुर ये स्टेशन है, तो हम यहीं से जाने वाले हैं मुंबई, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मुंबई का। तो गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और चाचा जी चाचा है ये हमारे घर के बगल में, और ट्रेन में बैठ कर अभी आनंद ले रहे हैं, और वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा कम्प्लीट, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आप देखते रहिए। गाड़ी अभी रफ्तार पकड़ चुकी है, और ये प्रियांशु अभी लंच किया है, और हम लोग सब आदमी लंच कर रहे हैं, और ये प्रमोद बलिए स्टेशन पर क्या प्रमोद को देख लीजिए आप, और सब टोटल आदमी नाश्ता पानी कर लिए हैं, और जो आप वीडियो में बने रहिए। हम बनारस आ चुके हैं, अभी बज रहा है 3-4 बज रहे हैं, और ये चाचा सुन रहे हैं देख लीजिए, और यहाँ पर बबुआ सब है, अभी बनारस स्टेशन पर आ चुके हैं 3 बज रहे हैं।
3-4 बजे रहे। बनारस के अभी घाट पर है, देखिए यहाँ पर ये पुल है, आपको मैं दिखा दूँ, देख लीजिए। और देखिए अभी हम बनारस के घाट पर हैं, अभी ट्रेन हमारी चल रही है, देखिए पटरी पर कैसे, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा बनारस का घाट है, जो बनारस का घाट है हमारा, हम वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए आप, वहाँ पर मंदिर है, ब्रांड है, और आपको हम दिखाना है, दिखाएंगे, देखिए वहाँ पर मंदिर है, और वहीं पे जो देख लीजिए ये बनारस का घाट है। हाय दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये मैं ट्रेन में जो बना रहा हूँ, देख लीजिए ये बनारस के घाट है, देखिए वहाँ पर मंदिर है, शाम का बज रहा है, और ट्रेन में पूरा पहुँचा हो गया है, और आपको दिखाते हैं, ट्रेन में कितना कोचा कोची हो गया है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, बम्पर भीड़ है, आदमी जा रहे हैं, अभी गेट पे से आदमी आ रहे हैं, यहाँ पर बम्पर भीड़ है, यहाँ पर देख लीजिए कितना, यहाँ पर लात धरने के लिए जगह नहीं है, चले देख लीजिए पूरा भीड़ है, और यहाँ पर हालत बिगड़ चुका है, ये पुरानी का हालत बिगड़ गया है, और यहाँ पर बहुत भीड़ है, देख लीजिए, अमन व्यास का सब्सक्राइब कीजिए, देख लीजिए कितना शाम हो गया है, अमन व्यास के सब्सक्राइब कीजिए। गाइस अब रात हो गई है, और यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो भीड़ का आनंद उठाते हुए, और ये प्रियांशु बहुत देख लीजिए, प्रियांशु अभी कोने में सटक कर सो गया है, और चचा सो गए हैं, यहाँ पर भीड़ का आनंद उठाते हुए ध्यान से, और ये भैया मस्ती करते हुए। हेलो मोदी जी, ट्रेनिया में जाम लग गया है, एक दूसरा गाड़ियों विदा करवा दीजिए, देख लीजिए कितना जाम लग गया है मोदी जी, गजब बेइज्जती है, बड़ा हरामी हो बेटा, इस हालत बिगड़ चुकी है हमारी, यहाँ पर इतना भीड़ है, पेशाब लाइटनिंग करने के लिए भी जगह नहीं है जाने के लिए, हालत बिगड़ चुकी है, पेशाब बहुत गंभीर लगा है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना भीड़ है, बम्पर भीड़ है, यहाँ पर हालत बिगड़ गई है, अरे कहना क्या चाहते हो, मौत का हालत भी बिगड़ चुका है, इसको भी एक नंबर लग, वहाँ पर प्रियांशु जाकर खड़ा है, एक नंबर के लिए प्रियांशु, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पेशाब वेशाब करने के लिए भी जगह नहीं है, ये है जर्नल बोगी का सिस्टम है, ये जर्नल बोगी का सिस्टम है, यहाँ पर देख लीजिए आप, पेशाब लैट्रिन करने के लिए यात्रियों के लिए कितना जुल्म की बात है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यात्रियों के लिए पेशाब करने के लिए कितना जुल्म की बात है, ये यहाँ पर देखिए भैया लोग को भी पेशाब वेशाब लगा है, बाकी ये टेस्ट कर कर वहाँ पर बैठे हैं, गाइस हालत बिगड़ चुकी है, खड़े हैं हम अभी, देख लीजिए सीट पर बहुत भीड़ है, देखिए यहाँ पर, और इधर आपको दिखाते हैं, इधर देखिए आप, रुकिए बैक कैमरा कर कर आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कितना भीड़ है, बम्पर यार, ले ले भाई के को तुम ले लो, यहाँ पर देख लीजिए कितना भीड़ है, देखिए बच्चे सब कैसे घूमते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यार बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, हम यहाँ पर खड़े हैं अभी, इधर भी बाथरूम के साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ी भीड़ी है, तब तक आंकी एक्सप्रेस है, इस रात के बज रहे हैं 12:30, अब बजने वाला है 1, तो हमको अभी नींद आ नहीं रही है, तो सारे लोग यहाँ पर सो चुके हैं, सबको दिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गाइस, सभी बज रहा है 1 बज रहा है, अब 2 बजने वाला है 10 मिनट, सिंगर जी हेलो, आइसक्रीम खाइए आप, उसके बाद वीडियो बनाने का, तो हेलो गाइस, अभी गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है 2, सुबह का 2, यहाँ पर चाय वो स्टेशन पर आए हैं, चाय अभी ले लिए हैं, और सारे आदमी उठ गए हैं 2 बजे,
तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का ब्लॉग। 30 तारीख है आज, आज का ब्लॉग दिखाते हैं। चचा भी उठ गए हैं और यहाँ पर चाय पी रहे हैं, ये भी चाय पी रही है और प्रियांशु भी चाय चीरा खा रहा है। दिखाते हैं प्रियांशु के लिए चिवरा खा रहा है। हाँ, उसके बाद प्रमोद चाय पी रहा है, प्रमोद भी चिवरा खा रहा है और सारे लोग उठ गए हैं। यहाँ पर सारे लोग प्रियांशु ये चिवरा है, हमको बैठना नहीं बज रहा है और ट्रेन में नहीं बजाते हैं लकड़ी के साथ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वो बजा कर बजा रहा है। बढ़ाया कोई छोटा नहीं मालूम मुझे लौटा हमें। हाँ लीजिए। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं, ये लोग 3-4 घंटे में उतरने वाले हैं। शाम को 4 बजे सूरत में रुक जाएगी। उतरेंगे अभी गेट के पास, बहुत जाम लग गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यही जर्नल बोगी का फायदा हो जाए। देखिए कितना जाम लग गया है गेट के पास। जर्नल बोगी में टिकट करवाने पे यही तो होता है, इसीलिए रिजर्वेशन में आप लोग आइएगा। ये तप्ता गंगी ट्रेन है तो छपरा से चलकर सूरत तक जाती है। देख लीजिए कितना भीड़ है, पेशाब बाथरूम करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए जगह नहीं है। उतरने वाले हैं सूरत में और थोड़ी सी पास में है और थोड़ा भीड़ कम हो गया है और हम सब उतरने वाले हैं। सब लोग उतरने के लिए इंतजार कर रहे हैं सूरत में। देख लीजिए गाइस, और हम भी उतरेंगे, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। और रात को 12 बजे और यहाँ पर देखिए सब उतरने के लिए। तो गाइस हम लिफ्ट सीढ़ी पर बैठे हैं, लिफ्ट वाला सीढ़ी पर स्टेशन पर रुक गए हैं और लिफ्ट वाला सीढ़ी पर बैठे हैं। आपको हम दिखाते रहे, देखिए लिफ्ट वाला सीढ़ी है। आराम से हम सूरत स्टेशन पे ऑटो में बैठ गए हैं और यहीं से आगे से चलकर मरुद्दीन में बैठ कर जाने वाले हैं। हाँ, वापी जोगड़ी वापी जाने वाले हैं और सारे लोग बैठ गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और यहीं से ऑटो में बैठ गए हैं, 250-250 रुपये किराया लगा है सब आदमी। और यहीं से जाने वाले हैं हम मारुद्दीन में बैठ कर। यहाँ अभी सूरत में हम स्टेशन पर आए और यहाँ पर प्रियांशु है। सूरत का रोड है ये, सूरत का बड़ा बड़ा बिल्डिंग यहाँ पर देख लीजिए। ये सूरत का बिल्डिंग है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हम सूरत के हाईवे पे हैं, देख लीजिए। और ये हाईवे है, देखिए इसके नीचे आप देख लीजिए, और इसके नीचे देखिए आप, देखिए इसके नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। और अभी हम हाईवे पर हैं, अभी हम हाईवे पर हैं, अभी यहीं से जाने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये सूरत में हम आए हैं पहली बार। मुंबई तो घूम लिए हैं, ये सूरत का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सूरत यहाँ पर देख लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। देखिए आपको वीडियो में थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, अभी हम ऑटो में बैठे हैं शीशे के। देख लीजिए आपको, यहाँ से हम उतरने वाले हैं। देखिए अभी सूरत में सारे रेडी बड़े हैं, यहाँ पर साइड में लगाए हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर अभी गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप बैठ गए हैं गाड़ी में और इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं वापी। और यहाँ पर फिर आज बैठ गया हूँ और सब टोटल आदमी बैठ गए हैं यहाँ पर, लेट की वजह से दिख नहीं रहे हैं। वहाँ पर टोटल आदमी बैठ गए हैं, इसी गाड़ी से हम वापी जाने वाले हैं। तो चलिए आपको गाइस हम अपने घर पर आ गए हैं, भैया के घर पर। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सब गए हैं अपने अपने काम के लिए। और भैया भी गए हैं और मेरे छोटे भाई मनीष जी, मेरे भैया, और ये मेरे भैया और बड़े भैया गए हैं अभी बाहर। तो यहीं पर ब्लॉग समाप्त करते हैं, बड़े भैया आएंगे तो उनसे आपको मिला देंगे, उसके बाद ब्लॉग समाप्त करेंगे। और आपको ब्लॉग कैसा लगा, बहुत हालत बिगड़ गई ट्रेन में। तो तुम्हारा भाई के चैनल है तो चैनल को बहुत मेहनत करते हैं, इनको सपोर्ट कीजिए आप और लाइक कीजिए।